वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेलकर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी, चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है, 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग खत्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि यह किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं, मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या, चल बाउल गीत सुने नहीं जाएगा, हम सब तैयार हैं, घर से खा कर जाएंगे, तो क्या पढ़ता रहता है, हमें क्या पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़ेंगे मगर बाद में, चल सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियां और 1 कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया, चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नजर डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात, रात में कोहरा छा रहा था, नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था, वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा, जहां दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता।
उतने ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हांफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हांफ क्यों रहा हूं। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है? मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुंचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट चलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है। ज्योत्सना खत्म हो गया है। अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम तंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीट करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो जमीन पर प्लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाजा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या? चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए।
लंबी हड्डियां, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रहे थे। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सभी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल के रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में दो कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था, किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और बीच बीच में बहुत जोर जोर से बादल भी गरज रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि तब रात के करीब 12 बज रहे थे। हालांकि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो इतनी रात गए इस मौसम में बाहर नहीं निकलता, मगर मुझे निकलना आज ज़रूरी था। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन आया था मेरे ख़ास दोस्त का कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है, तो बस वहीं से लौट रहा हूँ उन्हें देखकर। अब उनकी हालत सही है, शायद दिल का दौरा था मगर नसीब बढ़िया था इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं। जैसा कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाइक को तेज़ी से भगाए जा रहा था। हालांकि मौसम ठंड का नहीं था मगर मौसम में नमी थी और इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। खैर, मैं बाइक चलाए जा रहा था कि तभी एकाएक आसमान काले बादलों से पूरी तरह से गिर गया और एक जोरदार बादल गरजने की आवाज़ के साथ बरसात शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। बारिश में भींगने की मेरी आदत नहीं थी, अगर मैं इस बारिश में भींगा तो पक्का बीमार पड़ ही जाऊंगा। तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक बंद दुकान के बाहर एक शेड पर गई। मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं रुकती क्यों ना इस शेड के नीचे ही रहा जाए। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस बंद दुकान के शेड के बाहर रोका। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रहे थे। लग नहीं रहा था कि अभी थोड़ी ही जल्दी में छूट जाएगी, इसलिए मैं उस शेड के नीचे खुद को कंफर्टेबल करके खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। एकाएक बारिश और भी तेज होती गई। मैंने अपने बाइक के डिक्की में चेक किया कि शायद मेरी वाइफ ने रेनकोट भर दिया हो, मगर उसमें रेनकोट था ही नहीं। वो भी शायद भूल गई होगी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं वहीं पर खड़े रहकर इंतज़ार करने लगा उस घनघोर बारिश के रुकने का,
मगर बारिश थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और भी तेज और फिर और भी तेज होती जा रही थी, साथ में बादल गरज रहे थे। उस पूरे रास्ते पर मैं अकेला था, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रुकूं या इस बारिश में भींगता हुआ अपने घर चला जाऊं, मगर फिर सोचा कि अगर मैं भींगता हुआ घर गया तो एक तो बीमार पड़ूंगा, ऊपर से वाइफ डांटेगी, उसका अलग डर। खैर, मैं वहीं पर खड़ा ही रहा। अभी मैं वहां पर खड़े खड़े खुद को किसी तरह उस टूटे फूटे शेड के नीचे बारिश से बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी ओर एक इंसान पर गई। मैंने देखा कि वो इंसान एक पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद वो भी बारिश से बचने के लिए ही उस पेड़ के नीचे खड़ा था। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। ऐसे में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उस आदमी को आवाज लगाकर कहा, ओ भाई साहब, भाई साहब, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो, इधर आ जाओ, यहाँ शेड है। मगर मेरी बात सुनकर भी जैसे उस आदमी ने अनसुना कर दिया और वो वहीं उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरा क्या, मैंने तो आवाज दी थी, अब अगर वो ही नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती। पर तभी एकदम से बिजली चमकी और बिजली चमक कर उस आदमी के ऊपर गिर गई। मैं डर के मारे एकदम से कांप गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये पल भर में ही क्या हो गया। वो आदमी एकदम से जमीन पर गिर गया। मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही मैं उसके पास गया और उसका मुंह अपनी ओर किया तो एकदम से उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, बाल भी जगह जगह से जले हुए थे। तभी उस आदमी ने मेरी ओर देखा और अपनी लाल आंखों से मुझे गुस्से से देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, अभी तो इसके ऊपर बिजली गिरी थी और ये फिर सही सलामत कैसे है। मगर तभी मुझे ध्यान आया कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है, जैसे लाल बत्ती जल रही हो। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। इतने में ही उस रास्ते से एक गाड़ी गुजरी। मैं किसी तरह उस आदमी से छूटकर भागते भागते उस गाड़ी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस आदमी की ओर देखकर इशारा किया, मगर वहां अब कोई आदमी था ही नहीं। मैं समझ गया कि यह मामला कुछ सही नहीं है। मैंने अपना बाइक उठाया और बारिश में भींगते हुए अपने घर की ओर निकल गया, मगर वो सब क्या था यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।